लिख के दे दूंगा मैं आपको स्टाम्प पेपर में कि अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे आज से ही तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिल सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस डे 6। ओके, वर्क लाइक मैजिक, यानी कि जो भी काम हम करते हैं उसमें हम मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी काम में हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, इसका सक्सेस सीक्रेट इस किताब में दिया है, द मैजिक द सीक्रेट के डे 6, यानी कि 6th चैप्टर वर्क्स लाइक मैजिक, यानी कि आप अपने काम में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले पैराग्राफ में दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत साल मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक मिसिंग लिंक होता है और वो है ग्रैटिट्यूड। जो काम वो कर रहे होते हैं उसके लिए बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं रहता है। दिन भर उसको क्रिटिसाइज़ करना, बुरा भला कहना, अपने बॉस को बुरा भला कहना और बहुत सारी चीज़ों को बुरा भला कहना कि मेरा जो मैं जाता हूँ तो मेरे को बस नहीं मिलती, मैं जाता हूँ तो मैं हमेशा परेशानी रहता हूँ, जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं हमेशा थका रहता हूँ, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड बहुत परेशानी है, तो फिर वो सारी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स तक जाती है और वही परेशानी लौट कर वापस आती है बड़ा रूप लेके। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, अगर आप अपने काम से खुश हैं, भले ही अभी आपका छोटा काम है, आप कम पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर आप 10,000 कमा कर खुश हैं और हर दिन उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है, भले ही वो अभी इस वक्त नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर करेंगे ना तो आपका बॉस भी अच्छा फील करने लग जाएगा और आपको हो सकता है इंसेंटिव मिले, ज़्यादा पैसे कमाएं, आप अपने काम में सक्सेस होते जाएंगे। तो इसी सक्सेस सीक्रेट को हम जानते हैं और गहराई से। इसमें दिया है जब आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं, किसी भी काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली उस काम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उस काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़्यादा मनी और सक्सेस, ज़्यादा पैसे और सफलता आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और जो लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं वो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, वो लोग उस काम को वैल्यू नहीं देते हैं, कम काम करते हैं, कम पैसे और कम सक्सेस हासिल करते हैं और बहुत टाइम लगता है सक्सेस होने में, ठीक है। इसमें ये भी दिया है जो पहले मैंने बताया पिछली वीडियो में कि जितना अमाउंट आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना ही मैजिक आपकी ज़िंदगी में होगा। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, फिर चाहे वो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, मनी हो, सक्सेस हो, कि कोई भी चीज़ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ज़्यादा मैजिक। ओके, इसके बाद दिया है कि आप जब भी अपने काम पर जाते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या आप घर पे काम करते हैं, या फिर आप कोई भी काम नहीं करते, आप होम मैनेजर हैं, ठीक है, आप हाउसवाइफ हैं, घर का काम तो करते होंगे, तो उस काम में भी आपको जो भी काम आप कर रहे हैं, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, या घर में भी आपका काम हो रहा है, जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मैं घर से बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरा काम है ये वीडियो बनाना। अब मैं वीडियो बना के खुश हूँ, ठीक है, भले मेरे कम व्यूज़ आ रहे हैं तो भी मैं खुश हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं आने वाले मैजिक को जानता हूँ कि अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो जो मैजिक हो रहा है, कभी कभार व्यूज़ बढ़ जाते हैं और मेरी और भी अदर इनकम सोर्सेस है जहाँ से मेरे पैसे हमेशा आते रहते हैं, मैं सोता रहता हूँ तो भी पैसे आते रहते हैं, ठीक है, तो ये जो सारा मैजिक हो रहा है मनी का, अभी मेरा 5वां 6वां इनकम सोर्स जनरेट होने वाला है, एक साथ 2 इनकम सोर्स जनरेट होने वाले हैं। अगर आपको और जानना है मेरे बारे में कि मैं कैसे इनकम सोर्स जनरेट करता हूँ, और मैं एक हाई वाइब्रेशन क्लास लेने वाला हूँ जल्द ही, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अलग अलग चैलेंजेस क्लासेस लेता रहता हूँ, आप मेरे को ज्वाइन करके मेरे साथ आप पैसे कमाना सीख सकते हैं और आप भी मेरी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप कोई भी काम करते हैं, भले ही आप घर में करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आपको क्या सोचना है कि एक इनविजिबल मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर है जो दिख नहीं रहा है, जो यहाँ आसपास है, आपके आसपास, ठीक है। आपको क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक, एक दिन के लिए, जैसा ये टेक्निक में दिया है, एक दिन के लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रेटफुल महसूस करना है अपने काम के प्रति। आपके काम में जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किचन में है तो आप जो भी सामान यूज़ करते हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करें कि अगर ये लाइटर नहीं होता तो मैं गैस कैसे जला पाती। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप
ये पेन नहीं होता तो मैं कैसे लिख पाता, आप अगर घर में काम कर रहे हैं तो अगर लैपटॉप नहीं होता तो मैं कैसे काम कर पाता, जो भी काम आपका है, जैसे मेरा यूट्यूब वीडियो काम है, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता, ये ट्राइपॉड नहीं होता, ये लाइट्स नहीं होती तो मैं कैसे वीडियो बना पाता। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे को ग्रेटिट्यूड फील करना है, और छोटी से छोटी चीज़ के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तब बड़ी से बड़ी सफलता आपको मिलती है। आप भले ही इसको यकीन ना करें लेकिन ये लिख के दे दूंगा मैं आपको स्टाम्प पेपर में कि अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे आज से ही तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिल सकती है। सक्सेस का सीक्रेट है ग्रेटिट्यूड फील करना। तो आपको ये सोचना है कि एक इनविजिबल मैनेजर है आपके आसपास, और जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड फील करते जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो लिस्ट बनाते जा रहा है, और उसकी लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा मैजिक आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, और अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं इस दिन, ये डे 6 है, अगर आप 6वें दिन जॉब पर नहीं गए हैं, आप सोच रहे हैं कि सर मैं जॉब पर नहीं गया या फिर आज मेरा काम बंद है, आज मार्केट बंद है तो मैं कैसे करूँ ये वाला प्रैक्टिस, तो घर बैठ के तो आप नहीं कर सकते, तो आप इसके अगली वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अभी 6वें दिन, और ये वाली प्रैक्टिस जो है आप एक दिन बात करेंगे जब आप ऑफिस जाएंगे, जॉब करेंगे, जब आप काम करेंगे तभी ये प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि ये जॉब के लिए है, जॉब में सक्सेस हासिल करने के लिए ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है। अगर आपको जॉब करनी है, कोई प्रमोशन चाहिए, नई जॉब लगानी है, कोई आपको सैलरी हाइक चाहिए, या आपको कोई जॉब चाहिए, आप जॉब नहीं मिली आपको, तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपको हाईएस्ट टॉप पोजीशन की जॉब मिलेगी, आप बहुत खुशी से अपनी जॉब को करेंगे, और जो आपको जॉब मिलेगी पोजीशन वो और बढ़ती चली जाएगी अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस आपको ये सोचना है कि एक इनविजिबल मैनेजर है मेरे आसपास जो हर मेरे थॉट्स को नज़र रख रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे हर एक चीज़ के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो आपके ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाता जाएगा, और जितनी लंबी लिस्ट आपकी रहेगी उतना ही ज़्यादा मैजिक आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा। बस टेक्निक बहुत सिंपल सी है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ईबुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में तो नीचे आपको कैलेंडरी का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।